हेलो गाइस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 10A+B। ये वो फॉर्मूला है जो क्या है कि इंटरव्यू के अंदर बीटेक को डिप्लोमा वाले जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो जनरली उनसे पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने इंटरव्यू बेस के अकॉर्डिंग जो कि फ्रेशर्स से पूछा जाता है, तो कई बार फ्रेशर्स क्या भूल जाते हैं, तो उस वजह से मैंने इंटरव्यू पर्पज़ के से रिलेटेड से लेके मैंने 10A+B का फॉर्मूला यहाँ पे समझाया उसको। तो आप देखिए 10A+B क्या होता है। 10A+B इज इक्वल टू साइन ए साइन साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, साइन ए प्लस बी का मतलब होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी साइन बी कोस ए अपॉन कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हम क्या करते हैं कि इतना करने के बाद जो कोस ए और कोस बी जो है इसको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम डिवाइड कर देंगे इसको वन अपॉन कोस ए कोस बी साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, और उसी तरह से ठीक नीचे भी हम डिवाइड कर देंगे। तो वन अपॉन कोस ए कोस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से ये आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या कैंसिल हो रहा है, कोस बी से कोस बी कैंसिल हो रहा है हमारा। यहाँ पे देखिए कोस ए से कोस ए गया, नीचे नीचे कुछ नहीं करना आपको, साइन ए कोस साइन ए कोस ए प्लस साइन बी अपॉन कोस बी। तो ये जब इस तरफ आएगा, जब इसको हम ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर लेंगे, तब वन माइनस साइन ए प्लस बी और कोस ए कोस बी हो जाएगा। साइन ए अपॉन कोस ए ये होता है 10A प्लस साइन बी और कोस बी हो जाएगा 10B। ये वन हो जाएगा साइन ए साइन ए कोस कोस ए 10A और साइन बी कोस बी हो जाएगा हमारे 10B। तो हम इस तरह से इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी फ्रेंड्स, थैंक यू।